हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैं आज हूँ जलियांवाला बाग अमृतसर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बहुत ही पास है और मैं इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दूंगा कि यहाँ पर टिकट कितना है और यहाँ पर टाइमिंग क्या है और यहाँ पर क्या क्या है और इस जलियांवाला बाग की जो कहानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बना रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि दोस्तों आपने शुरुआत में ही देखा कि अंदर आते ही आपको एक बहुत ही बड़ा बाग गार्डन दिखाई देता है। ये गार्डन को अभी बनाया गया है और यहाँ पर आने का टिकट कुछ भी नहीं लगता है, पूरी तरह से फ्री है। और इसकी जो टाइमिंग रहती है सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक रहती है। विंटर में टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है और ये इसमें आप देख सकते हैं सामने स्मारक है, शहीद स्मारक बनाया है यहाँ पर शहीदों की याद में। तो दोस्तों मैं यहाँ की संक्षिप्त में आपको कहानी बता देता हूँ, जो कि जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बहुत ही पास है। यहाँ एक छोटा सा बगीचा भी है। ये जो नरसंहार हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेनॉल्ड एडवर्ड डायर ने, जनरल डायर ने करवाया था। और अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्ते शांत और बूढ़े बच्चों को सबको गोलियों से भून दिया था। और यहाँ पर एक ही तरफ रास्ता था और चारों तरफ से दीवार थी, तो उस रास्ते को बंद करके जनरल डायर ने निहत्ते लोगों को गोलियों से पूरी तरह से भून दिया था। यहाँ पर शहीद स्मारक के रूप में एक मीनार बनाई गई जहाँ शहीदों के नाम अंकित है। वहाँ एक कुआं भी है जिसमें लोग गोलीबारी से बचने के लिए कूद गए थे। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप गोलियों के निशान जो निहत्ते मासूम लोगों पर चलाई गई थी, इनमें गोलियां आज भी फंसी हुई हैं। यही वो जगह है। इस दुखद घटना के लिए स्मारक बनाने आम जनता से चंदा इकट्ठा करके जमीन के मालिकों से, ये जमीन 5,65,000 रुपये में उस समय खरीदी गई थी। दोस्तों जो ये नरसंहार बैसाखी के दिन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट अंग्रेज के दमनकारी नीतियों व दो नेताओं सतपाल और सैफुद्दीन किचकू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहाँ पहुंचे थे। करीब 5,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और इसकी भनक जनरल डायर को लग गई और उसने अपनी रेजिमेंट के साथ वहाँ पहुंचकर जब तक उसका गोलियां ख़त्म नहीं हो गई तब तक निहत्ते लोगों पर गोलियां चलवाते रहे, जिसमें बचने के लिए कई लोग कुएं में भी कूद गए थे जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये आप आज के समय देख सकते हैं जलियांवाला बाग, जो कि अब काफ़ी सुंदर बना दिया गया है। इस दुखदकारी नरसंहार के से व्यथित होकर एक क्रांतिकारी उधम सिंह ने प्रतिज्ञा की थी कि जनरल डायर को मारेगा और इसके लिए कई वर्षों तक इंतजार करने के बाद उसने आखिरकार उसको मारा और इंग्लैंड में जाके उसको मार दिया। 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को उसकी किया की सजा देते उसको गोलियों से भून डाला था और अपने आप को वही गिरफ्तारी दे दी थी, जिसके बाद सरदार उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है वो शहीदी कुआं जहाँ पर कई लोगों ने जनरल डायर की गोलियों से बचने के लिए यहाँ पर कूदकर इसमें अपनी जान दे दी थी। ये वही शहीदी कुआं है, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी संक्षिप्त कहानी जो मैंने आपको बताई। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ हों या कुछ मेरी जानकारी में ना हो, जितना मुझे जानकारी थी मैंने वो आपको साथ उसको शेयर किया। हो सकता है कि कुछ और भी इसमें जो मेरे से छूट गया तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा मेरे को बता सकते हैं कि इसमें ये छूट गया है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर कमेंट जरूर करना। और दोस्तों इस जलियांवाला बाग में अगर आते हैं तो यहाँ पर एंट्री आपको जिस जगह से अंदर आने के लिए एंट्री है आपको एग्जिट दूसरे रास्ते से मिलेगा जो कि पीछे एक मार्केट है वहाँ पर निकलता है और वहीं से आपको स्वर्ण मंदिर में सीधे जाने का रास्ता मिल जाता है जो आप सीधे स्वर्ण मंदिर की तरफ जाता है। तो आपको आना एक तरफ से है और जाने का रास्ता दूसरी तरफ से। तो ये एक जलियांवाला बाग में रास्ता बनाया गया है और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, आप उस म्यूजियम में भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत से क्रांतिकारियों के फोटो वगैरह बने हुए, वहाँ पर सरदार उधम सिंह की अस्थियों को भी रखा गया है और यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दी जाती है। और ये सब वो क्रांतिकारी हैं जो इस नरसंहार में शहीद हो गए थे और आगे भी दूसरे क्रांतिकारी, ये सरदार उधम सिंह का आप देख सकते हैं ये अस्थि कलश, सरदार उधम सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है।